लड़कियों शादी वाले दिन ना ज्यादा नखरे मत करना, नहीं तो मोए मोए हो जाएगा सबके सामने। कैसे? तो इस दुल्हन को देखे जो खुद को कैटरीना कैफ समझ रही थी और वरमाला के दौरान नखरे करने लगी। बस फिर क्या था, फिर तो दूल्हे ने सबके सामने वही दुल्हन का मोए 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 कर डाला भैया। पापा की परियां शादी में जाकर सोच समझ कर ठुमका लगाना, नहीं तो मम्मी गजब की बेइज्जती करेंगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। इस मम्मी के मगरमच्छ के तो भाई अलग ही नशे चल रहे हैं। भाई जब दुल्हन का मुंह मीठा करवाने का रिवाज चल ही रहा है, तभी दूल्हे ने रसगुल्ला झटक दिया दुल्हन पर। फिर क्या था, दुल्हन को भी गुस्सा आया और लगे हाथ हिसाब बराबर कर दिया। तेरी माँ की आँख हराम खोर। वैसे एक बात तो है, मम्मी के मगरमच्छ चाहे दूल्हा ही क्यों ना बन जाए, लेकिन इनका ध्यान अपनी वाली से ज्यादा छोटी वाली पर होता है, बोले तो साली पर। यकीन ना हो तो एग्जाम्पल बॉस आपके सामने है। कहने को तो बाजू में दुल्हन भी है, लेकिन दूल्हे के हाथ की खुजली साली को गोद में उठाकर ही ठंडी पड़ी भैया। सो गया बचपन से। अच्छा। एक उदाहरण यहाँ भी देख लीजिए, दुल्हन की नजर इधर उधर क्या भटकी, दूल्हे ने साली को ही वरमाला चढ़ा दी। वैसे पापा की परियां भी कुछ कम नहीं होती, जहाँ मौका मिले भाई साहब चांस मारना शुरू कर देती हैं। अब इस दीदी को ही देख लीजिए जो इस लड़के को गिराने में लगी पड़ी है। लगता है दीदी हमारे लौंडे को ले डूबेंगी। ममता दीदी और सिर्फ एक नहीं दो तो को ध्यान से देखिए, दीदी सामने भी टाका भिड़ाने को तैयार है। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, 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 सुके, सुके, सुके। भाई इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। लगता है आज तो ये दीदी दोनों लौंडों का क्रियाक्रम करके ही दम लेंगी। और इतना ही नहीं, पास वाली दीदी तो कैमरामैन को निपटाने में लगी है। ये राजा भैया, इन्होंने अपनी शादी में ऐसी कोई रस्म नहीं छोड़ी जिस पर वीडियो या रील्स ना बनाई हो। राजा भैया ने हल्दी से लेकर सुहागरात तक की रील्स बना डाली और अब तो लोग राजा भैया को कहने लगे आप बीवी लाए हो या कॉन्टेंट लाए हो। हाँ सच में भाई, क्योंकि यहाँ पर देखो राजा भैया कैसे लिपसिंग फील कर रहे हैं। उनके सामने सॉन्ग के ओरिजिनल हीरो शाहिद कपूर भी फेल है। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। शादी मुबारक हो। इन जनाब से मिलिए जो दूल्हा दुल्हन के स्टेज पर चढ़कर कैसे भैया अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, देखिए। और जनाब कामयाब भी हो गए। भाभी जी को भी इम्प्रेस कर लिया। देखो देखो देखो, आए 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 मजे आए। देखा कैसे चिपके चिपके भाभी जी भी जनाब का देख रही हैं। ओए होए होए होए, दूल्हा मनी मन सोच रहा होगा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और इतना ही नहीं, जनाब ने सालियों को भी लपेटे में ले लिया। हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। लौंडो ऐसे हरामी दोस्तों से बच के रहना। Yeah.
सॉरी। अब इधर देखिए दोस्तों, आजकल अच्छी फसलों में कीड़े लग रहे हैं और ऐसी लैला को ऐसे मजनू मिल रहे हैं। वाह क्या बात है। भाई अगर आपके पिताजी दहेज लेने से मना कर दे और आपकी ना मर्जी हो तो भी आपकी शादी करा दे तो दाल में जरूर कुछ काला होगा बरखुदार। देखा सासू माँ ऐसी मिल जाए तो दहेज बहेज कुछ नहीं चाहिए। वैसे भाई लोगों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करो। क्या है कि आगे भी इससे तड़कती भड़कती वीडियोस आपके इंतजार में है। दोस्तों शादियों में आपका फेवरेट काम क्या है? वेल मेरा तो है डांस, और इन मोहतरमा का है दबा दबा के ठूसना। यकीन ना हो तो खुद देखिए, मोहतरमा चिकन के साथ साथ हड्डी भी चबा जाने के मूड में लग रही है। वाह दीदी वाह। बड़े भाई देख तो रहे हैं लेकिन ये नहीं कि भाभी की हेल्प करते हैं। भाभी मैं अभी आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लियो, तुम्हारी हड्डी का कीमत मैं निकाल के दूंगा। कोई दे ना दे मैं दूंगा निकाल के, अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर दीदी ने हाथ में रसगुल्ला तो उठाया लेकिन खिलाने के नाम पर मौज मस्ती का सुरूर सवार हो गया। लेकिन हमारे दूल्हे भाई की चील की निगाह है भैया। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर, गजब बेइज्जती। ये बेचारा कैमरामैन अपना काम खत्म करके सो रहा था लेकिन यहाँ पर भी पापा की परियों ने उसके साथ मजाक करना शुरू कर दिया। मारो हमको मारो। यहाँ पर आपको दूल्हे की मजबूती देखने को मिलेगी। मजबूती देख रहे हो लाड़ने की। जब दूल्हे के शराबी दोस्त शराब पीने के बाद नशे में कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो कठपुतलियों में भी उनको अपनी छमिया नजर आती है। शादी में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर सीरियस कोई मैटर फंसता है ना तो विदाई के टाइम पर रोने का होता है। लेकिन इस दुल्हन का तो भाई साहब अलग ही सीन है। जरा सुनिए विदाई के वक्त इसे टेंशन क्या सता रही है। कंपल्सरी थोड़ी ना रोना कोई भी। टेंशन की बात ये है मुझे डर लग रहा है मैं विदाई के वक्त ना हंसने ना लग जाऊं, जिन्हें रोते हुए लोगों को देख के हंसी छूट जाती है। यहाँ पर चचा जान इतने कंफ्यूज हो गए हैं कि टीका लगाना था बड़ी बेटी को लेकिन लगा दिया छोटी को। इस जनाब की वीडियो देखने के बाद मम्मी के मगरमच्छ कभी भी कोई भी बारात मिस नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, जानने के लिए वीडियो को इत्मीनान से देखिए और साथ में आपको अजब प्रेम की गजब कहानी वाली यहाँ पर स्टोरी याद आ जाएगी। सर हम एक दोस्त के बारात में गए थे तो जमाला के वक्त इनको देखे थे बाराती में, तो हम इनको देखने के बाद हमको ऐसा लगा इनके जैसा सुंदर लड़की आज तक हमने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा था? हाँ कभी नहीं। जैसे हम लोग गांव से इतना सुंदर सुंदर लड़की कहाँ से देखें, जैसे टाउन में रहती है, टाउन जैसे नहीं सुंदर थी बारात में। हमको लड़की मिली थी तो उसी बारात में मिली थी जो कि प्यार हो गया। तब जिस दिन बारात में आप गए जयमाला के टाइम इनको देखा बस एक नजर में ही प्यार हो गया, तो उसके बाद प्यार होने के बाद फिर आगे का क्या आपका स्टेप? बदल भाई 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 मेरा। उसके बाद हम घर पे चले आए, घर पे आने के बाद हमको ऐसा लगा शायद वो सपना था अब नहीं मिलने वाली है,
लेकिन कुछ दिन उपरांत अपने मामा या लगमा पे में गए तो इनको दोबारा से देखे। इनको देखे तो हमको लगा शायद हम सकल होगा, लेकिन हम इनके पास में जाकर पूछे कि क्या नाम हुआ तो बताइए मानसी प्रिया। हम बोले वही लड़की जो जमाला पर देखे थे, तो बोले कि हाँ। तो हम मेरा कर्जा अंदर से देखा, जनाब के हाथ में ये रसमलाई बारात के दौरान ही लग गई, इसलिए बारात मिस करने की गलती से भी गलती ना करें। क्या बात, आपके कुवारेपन की दवा भी वहीं भटक रही हो। शादी में गए थे तो पहले बार तो उनको देखे थे, मेरा एक ही नजर हमको प्यार। उस दिन के बाद हमको लेटर दिए, तो लेटर भी फाड़ दिए। लेटर हमको दिए ना तो हमको मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, तो हम फाड़ के फिर कैसे मिले? मतलब एक साल तक अपना पीछे घुमाए, इनको जांच पड़ताल किए कि कैसा लड़का है, कैसा चाल स्वभाव है, मतलब सब कुछ। तो ये उसमें तो पास ही रहे। दिल कैसे देखिए? दिल तो अपने आप चला जाता है क्योंकि अच्छा आदमी रहता है तो उसमें। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। चलिए अब आपको एक तड़कता भड़कता चाचा जी का लुंगी डांस का वीडियो दिखाते हैं। दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि लड़कियां भले ही शक्ल सूरत से खूबसूरत हों, लेकिन ये सोचती है आज भी भाई साहब घुटने से ही है। अब जरा इस दीदी को ही देख लीजिए, जयमाला भी सही से पहना ना सके। सबसे बढ़िया हम शुक्रिया अदा करते कि हमको लड़की नहीं बनाए। हर बिना दिमाग की जिंदगी जीना कितना टफ हो जाएगा। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ में थ्रिलर, घूमे फिरे बस्ती में दिन रात मस्ती में, फिर भी काम की। मजा आ रहा है ना? ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ दिखाते एक और वीडियो क्लिप। चलिए अब दर्शन कीजिए ठरकियों के सरदार से, जिसके बम में इतना दम है कि भरी सभा में दूल्हे का पोपट किया जा रहा है। देखो 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 देखो, बेचारा दूल्हा भी स्टेज पर कुछ कर नहीं सकता। गजब बेइज्जती है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? अरे तू मिली इस दूल्हे राजा से, जो अपने दोस्तों को नाचता हुआ देखकर अपने आप को रोक नहीं पाते और वो भी डांस करने चले जाते हैं। और फिर तो क्या भाई साहब, क्या ही दूल्हे राजा ने ठुमके लगाए। ओहो हो, मजा ही आ गया। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। मजा आया दोस्तों। यहाँ पर नजर घुमाइए, दो भाभियों ने फ्लोर पर कैसे आग लगा रखी है। भाई ललो धनो लेनी ताल झगड़ा, कहिले बा कमाल, कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा, कहिले बा कमाल हमर लाल घाघरा, कहिले बा कमाल तोहर। हाय 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 हाय, मजा आ गया दोस्तों। वही दूर खड़े मम्मी के मगरमच्छों के दिलों पर छुरियां चल रही हैं। अपनी आंखों को जरा थाम के रखिए, क्योंकि यहाँ जो नजारा आप देखने वाले हैं उसे देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, अब हम आपको मिलवाते हैं बड़े ही खतरनाक लोगों से। देखो दोस्तों, सावधान हो जाइए, कहीं आपको भी रसमलाई की जगह काला जामुन न थमा दिया जाए। चलिए अब आपको भाभी जी का जबरदस्त वाला डांस दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी एक ही बात बोलेंगे, वाह वाह वाह, क्या बात है जी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अब आपको दिखाते हैं हरामी दोस्तों की एक करामात। दरअसल बात यूं थी कि दूल्हा दुल्हन ने प्री वेडिंग शूट करवाया और शूट के दौरान भाई कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो गए।
लेकिन दोस्त भी दोस्ती होते हैं, उन्होंने इस पर्सनल मोमेंट को भरी सभा में लाइव कर दिया। बस फिर क्या था, बराती धराती भैया खाना छोड़कर इस पर्सनल मोमेंट के साक्षी बने, जिन्हें देखकर दूल्हा दुल्हन का रिएक्शन देखने लायक था। देखो देखो आजकल शादी से पहले दुल्हन अपना दिल किसी और को दे बैठती है, और जब उस प्रेमी की शादी दुल्हन से नहीं हो पाती तो फिर भैया आशिक का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। बेचारा मन ही मन दीदी को खूब कोस रहा होगा। अगर आप ये रिएक्शन नहीं देना चाहते तो सरकारी नौकरी लगाइए, वरना माल हाथ से निकल जाएगा बाबू। अगर आप भी गांव की छोरियों को गवार और बसूरत कह के छोड़ आए तो एक बार पीछे मुड़ के जरूर जाइए, क्योंकि आजकल ब्यूटी की दुनिया में इन्हीं गोरियों का जलवा है बॉस। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जब शादी का लड्डू तमाम जतन, सालों के प्रयास, हजारों रिएक्शंस के बाद मिलता है तो भाई खुशी दुगनी नहीं 10 गुना बढ़ जाती है। वैसे दोस्तों, अगर आप अपने लिए सही प्रोफेशन की तलाश में हैं तो एक बार ये क्लिप देख लीजिए। प्रोफेशन पसंद आए तो कमेंट करके जरा इन्फॉर्म भी कर दीजिएगा। रहा नहीं जाता। चलो इसी बहाने एक खूबसूरत परी की कमर तो हाथ लगी। सही पकड़े हैं। ये हमने ढोल वाले के शब्द है जो खामोशी में झलक रहे हैं। ऐसे आपने क्या सोचा, बोलो बोलो बोलो। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। चलिए अब आपको मिलवाते हैं सुनहरा भविष्य लेकर पैदा हुए छुटकू प्राणी से, जिनके हाथ ऐसी रसमलाई लगी है जैसी सरकारी नौकरी वालों के हाथ भी ना लगे। इस सब क्या देखना पड़ रहा है। देखा भैया किस्मत के जलवे, कद में दम ना हुआ तो क्या हुआ, लकीरों में फुल पावर है बॉस। अब जो पापा की परी खुद को समझती है आलिया, उसको मिलता है कालिया। जलवा है हमारा। अच्छा। मुझे मारो, मारो, मुझे मारो। अब जरा यहाँ पर गौर कीजिए, ये मोहतरमा का हाथ अभी तक तो सोफे की खाक छान रहा था, फिर अचानक बत्ती बुझी और हाथ कहीं और ही पहुँच गया। महबूबा बस ये जान ले महबूबा। सब क्या देखना पड़ रहा है। वाह दीदी वाह, कतई सुपर फास्ट निकली तुम तो। भाई हमें तो एक बात समझ ही नहीं आती कि नागिन सॉन्ग बजते ही लोग अपने आप को नागिन के खानदान के सपूत क्यों समझने लगते हैं। यहाँ पर देखिए चच्चा जान जमीन पर लोट लोट कर सपेरे के दुश्मन बने जा रहे। दुनिया भर की शादी के जोड़ों को छोड़ जरा अपना ध्यान यहाँ पे दीजिए दोस्तों। अपनी बेटी उम्र की लड़की से ताऊ ने शादी ये सोच कर की, क्योंकि ये महिला विधवा है इसलिए ताऊ ने इसे शादी की। पहले आप खुद ही देखिए, हमने इसे शादी करके इसको बीवी बना करके अपने घर में रख लिया। क्या करते बेचारी भाटा।